बहुत जल्दी हम लोग कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो होप कि बहुत जल्दी वो चीज भी आ जाए। ये देख रहे हो क्या बात है, मैं डर गया भयंकर, ना नेटवर्क आ रहे, किसको बताऊंगा कि भाई फंस गया अंदर। मेरे ना पीठ में पसीना आने लग गया भाई, इतनी गर्मी हो रही है भयंकर। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो फिलहाल अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30 एंड आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो रूम से ही हो रहा है। काफ़ी दिनों से मैं बाहर से स्टार्ट कर रहा था, कभी मैं ऐसे फेस इंट्रो के साथ स्टार्ट ही नहीं कर रहा था, बट आज मैंने सोचा कि भाई मस्त एकदम अंदर से स्टार्ट किया जाए एंड फेस इंट्रो के साथ स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अब से सारे व्लॉग्स जो है वो फेस इंट्रो के साथ ही आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग घर पे हैं एंड ये देख सकते हो भाई मेरे रूम की हालत, देख रहे हो। मैंने बताया घर से इसलिए व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना ये कपाड़ जैसा पड़ा हुआ है, ये ना मैं दिखाना नहीं चाहता तुम लोगों को, बट फिर भी मुझे दिखाना पड़ रहा है भाई, बहुत हो गया। पता है रोज तुम्हें एक ही भाई बारा होगा भयंकर देखने में कि रोज ये बाहर से स्टार्ट कर देता है एंड यहीं पे खत्म कर देता है। तो फिलहाल आज तुम्हारे भाई ने मस्त अंदर से स्टार्ट कराया व्लॉग एंड होप कि तुम्हें बढ़िया लग रहा होगा, थोड़ा डिफरेंट वाइब आ रहा होगा भाई। लोग पता है एक एक चीज मैटर करती है, पता है वीडियोज में अगर तुम्हें यहाँ की जगह यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो या इसकी जगह ये चीज दिखा रहे हो तो भाई बहुत डिफरेंस आता है वीडियो में एंड डिफरेंट वाइब भी आता है वीडियो देखने में। अभी फिलहाल ना मस्त धूप आ रखी है बाहर एंड अभी मैं जाऊँगा मस्त करके अपनी हाइड्रा पे ही। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है बट कोई बात नहीं, तुम लोगों के लिए भाई इतना तो चलता ही है। अब बहुत जल्दी हम लोग कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो होप कि बहुत जल्दी वो चीज़ भी आ जाए, तो फिर हम थोड़ा डिफरेंट चीज़ करेंगे वीडियोस में, और भी कुछ और भी मतलब डिफरेंट चीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि सेम मोटो व्लॉग हो रहे हैं सब, तो अभी डिफरेंट व्लॉग्स भी आने लग जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं 10 मिनट पहले नहा के आया था एंड अभी जस्ट मैं रेडी हो रखा हूँ एंड अभी निकलते हैं मस्त व्लॉग करके आते हैं बढ़िया सा। एंड बाकी यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे, तुम्हें एक आध चीज़ नई जैसी दिख रही होगी, एक तो हमारे आईफोन का डब्बा हो गया एंड यहाँ पे एक ये वॉच का डब्बा हो गया एंड दो चार चीज़ें और हैं यहाँ पे एंड बाकी उस तरफ को मेरा पावर बैंक चार्ज लगा हुआ है देख सकते हो तुम लोग एंड इस तरफ कोई गिटार ऐसे बेड पे पड़ा हुआ है एंड वो आयरन वहाँ पड़ी हुई है एंड कपड़े ऐसे बिखरे पड़े हैं। मैं पता है भाई मेरा ना इतने दिन से कैसा शेड्यूल रह रहा है, एक महीने से ना मैं कपड़े आ रहा हूँ घर चेंज करके ना बेड के ऊपर फेंक दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ना उस रूम में सोता हूँ क्योंकि वहाँ पे एसी लगा हुआ है, मेरे रूम पे एसी नहीं है, उस वाले रूम पे एसी है तो मैं वहीं पे सोता हूँ। तो उसकी वजह से भाई मैं यहाँ पे आता हूँ, बस अपने कपड़े चेंज करता हूँ एंड वहाँ चले जाता हूँ एंड उसी वजह से कपड़ा और क्या। अभी है ना एक आध दिन में कपड़ों को मस्त लॉन्ड्री में दे आऊँगा बढ़िया करके, धो के आयरन करके अलमीरा में रख देंगे भाई मस्त करके देंगे भाई, क्योंकि ना इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है यहाँ पे एंड मेरे को फिर से पसीना आने लग गया भाई, देख रहे हो मैंने फैन भी बंद किया हुआ है। एंड गाइस आज से मैंने ग्लूकोंडी लेके जाने वाला हूँ ऑफिस, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है एंड है ना पसीना ही पसीना आ जा रहा है, गर्मी बहुत लग रही है ऑफिस में, तो खैर एसी लगा हुआ बट यार फिर भी है ना वीकनेस जैसी होने लगी, क्योंकि वीकनेस जैसी हो जा रही है क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ तक जाऊँगा बहुत गर्मी लगेगी रास्ते में। तो फिलहाल अपन लोग ये ग्लूकोंडी लेके जा रहे हैं, बढ़िया करके पियेंगे इसको एंड एनर्जेटिक हो जाएंगे। कल गाइज मैं अपना ना रूम लॉक करना भूल गया था एंड घर आके पता लगा भाई कि रूम तो लॉक ही नहीं है, क्योंकि ना कल मैं रात को आया था तो मैंने उसके बाद देखा तो यहाँ पे ना रूम खुला हुआ था एंड ये देख लो भाई ये भी खुला हुआ है, हमारे घर के ना आधे दरवाजे हैं ना खुले रहते हैं। अभी गाइज हम लोग ना इस वाले लिफ्ट से जाएंगे, क्योंकि वाला लिफ्ट है ना खराब है भयंकर, परसों मैं रात को आया 9:30 थे, मैं जैसे ही ऑफिस से आया ना तो मैं इस लिफ्ट के अंदर गया एंड मैंने ना इसमें 6th फ्लोर पे दबाया, तो ये पता है मेरे को 7th पे ले गया, फिर वहाँ पे खुला, बाद में मैंने फिर से 6th किया तो मुझे 4th पे ले गया एंड उसके बाद भाई ये मुझे -1 पे ले गया ना, बीच में लिफ्ट रुक गई थी भाई मेरी फटके 4 हो गई, उसके बाद मैं इस वाले लिफ्ट में आया। तो इस वाले में चलते भाई, ये वाला है ना थोड़ा सा खराब हो रखा है, एक तो भाई इसके ना नेटवर्क भी नहीं आते भयंकर, मैं डर गया भयंकर, ना नेटवर्क आ रहे, किसको बताऊंगा कि भाई फंस गया अंदर। बट जैसे जैसे करके मैं पहुंच गया था -1 पे, उसके बाद मैंने वाले लिफ्ट में चेंज करा एंड यहाँ से ऊपर गया एंड जस्ट मेरे 5 मिनट बाद ना गौरव भी आया दौड़ता दौड़ता, वो तो गया सीढ़ियों से दौड़ता दौड़ता आया क्योंकि गाइज वो भी फंस गया था। ओहो भाई साहब धूप देख रहे हो गाइज भयंकर, इतनी ज़्यादा धूप आ रही है ना, ये देखो सूरज ना पूरा मुंह पे पड़ रहा है एकदम एंड ये पता नहीं किसकी एक्टिवा खड़ी है, शायद बगल वाले भैया की है एंड ये रही अपनी हाइड्रा बेबी, तो भाई बहुत गर्म हो रखी है इसकी सीट, बैठेंगे तो पिछवाड़ा जल जाएगा भाई, 2 मिनट इसको ठंडा होने देते हैं, थोड़ा सा छांव में कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं इस पर, तब तक इसको कोल्ड स्टार्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। क्या बात है भाई, इसका एग्जॉस्ट नोट इतना प्यारा है ना गाइस, तुम लोग खुद देख रहे होगे भाई एंड इसके रिगार्डिंग तो मुझे बहुत लोगों ने कमेंट भी करा कि एमके भाई क्या आवाज़ आ रही है भाई एग्जॉस्ट नोट में से, भाई साहब मज़ा आ गया। अभी इसको ज़्यादा ब्रेव नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी वाले हैं ना भयंकर चिल्लाने लग जाते हैं, वो देखो भाई एक वो सामने से देखे जा रहे हैं मुझे, तो सीट तो खैर इसकी हल्की हल्की ठंडी हो चुकी है, तो चलते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है। आज का ब्लॉग है ना सोसाइटी के अंदर से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, और दिन मैं ना यहाँ से इंट्रो करने के बाद ना सीधा बाहर से स्टार्ट करता हूँ, बट आज अपन लोग अंदर से स्टार्ट करने वाले हैं
भाई साहब क्या मस्त हवा लग रही है यार। इतनी देर से मैंने फैन भी बंद किया हुआ था क्योंकि व्लॉग कर रहा था। मैं सोसाइटी के अंदर ना जितनी धीरे हो सके उतनी धीरे चलाता हूँ। मैं इसके ना कोशिश करता हूँ कि आवाज़ ही ना निकले क्योंकि सोसाइटी के जो लोग हैं ना भाई वो है ना कंप्लेन कर देते हैं गेट पे। मैं सोसाइटी में ना एक दो सब्सक्राइबर भी हैं हमारे, मतलब जो वीडियो देखते हैं भाई लोग मुझे मिले एक दो बार। एंड गोप्रो में हमारे 34% बैटरी बची है बस। होप कि वाला व्लॉग शूट हो जाए भाई, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, घर जाके चार्ज कर लेंगे, बस ये वाला व्लॉग शूट हो जाए। हाइड्रा को फिलहाल मैं यहीं पे लगा रहा हूँ, मेरे को 2 मिनट काम है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी छाव है तो है ना आने तक है ना सीट ठंडी रहेगी, गर्म ही रहेगी भाई, नहीं तो पिछवाड़ा जल जाता है भाई कसम से। तो फिलहाल यहाँ का काम हमारा हो चुका है एंड फोन की बैटरी है ना पूरी डेड हो चुकी है, देख सकते हो तुम लोग। 20% बची है बस पहुँचने तक, ये भी खत्म हो जाएगा तो इसको भी चार्ज लगा लेता हूँ मैं। पावर बैंक का थोड़ा बहुत चार्ज तो हो गया था तो इसको इस पर चार्ज लगा लेते हैं अभी। अभी पता है गाइस मैं नीचे से ना ऊपर गया था दोबारा अपना है ना चार्जर का ये अडेप्टर लेने के लिए, क्योंकि मैं भूल गया था। लिफ्ट है ना पूरा नीचे पहुंच गई थी, उसके बाद मैं उसे ऊपर लेके गया दोबारा से। तो अभी इसको चार्ज लगा लेते हैं भाई इस पर। इसमें 3 पॉइंट्स दिखा रहा है तो हो जाएगा चार्ज आराम से। मेरे ना पीठ में पसीना आने लग गया भाई, इतनी गर्मी हो रही है भयंकर। इतनी गर्मी में तुम्हारा भाई व्लॉग कर रहा है, नहीं तो अगर मैं ना व्लॉग ना बना रहा होता तो भाई मैं अब तक है ना निकल के पहुंच जाता आधे रास्ते तक। बट कोई बात नहीं यार, व्लॉग मेरे लिए फर्स्ट है, बाकी चीज़ तो होती रहेगी। इतनी गर्मी तो खैर हम लोग सही सकते हैं। ये वाले मिरर्स मेरे को ना बहुत मस्त लगते हैं, इसके अंदर जो 360 डिग्री व्यू दिखता है ना भाई साहब एक नंबर। एंड अभी टाइम हो चुका है हमारा 10:41 भाई। ये भैया ना मुझे रोज स्माइल करते हैं एंकर देख के क्या बात है। तो अभी हम लोगों ने 30 किलोमीटर कवर करना है, तो 15 मिनट के अंदर अपन लोग ना 30 किलोमीटर कवर करेंगे आज। एंड आज ना तुम्हें इसका ज़्यादातर है ना एग्जॉस्ट नोट ही सुनाऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने ना अच्छे से नहीं सुना है। तो है ना अभी तुम्हें आज पूरे वीडियो में ना मस्त एग्जॉस्ट नोट सुनेगा बढ़िया करके। बस है ना मेरे को खाली रोड मिल जाए थोड़ी सी, ये मोड़ वगैरह ना हो बस भाई। ये फॉर्मल पैंट पहनने के बाद है ना यही दिक्कत होती है भयंकर। ये देख रहे हो तो मैं कैसे खड़ा और रखा हाइड्रा पे, ये ना भयंकर ऊपर पूरी है ना ऊपर को चढ़ जाती है। ये लो भाई, ये लो ये देख रहे हो क्या बात है भाई। ओह क्या बात है भाई एक नंबर। ओह बड़ा पिकअप मैन भाई साहब, जो आवाज आ रही है ना भाई इसमें से एक नंबर। अब मैंने अपना बैग आगे करने वाला हूँ भाई, बैग है ना पीछे है तो भाई उसकी वजह से बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, पूरी शर्ट गीली हो जाएगी पीछे से। हम लोग चलती बाइक में बैग को आगे कर लेंगे जिस तरह से, अपन लोग प्रो है मैन है ना। चलती बाइक में बैग का जैकेट खोल के भी चेंज कर लेता था, जैकेट खोल के बैग में डाल लेता था मस्त। ओहो क्या बात है, चजा रुक जाओ। ओहो लोगों के रिएक्शन भाई साहब एक नंबर, मतलब जिसके सामने मैं जा रहा हूँ ना ये देखो एक नंबर रिएक्शन आ रहे हैं। अभी गाइस पहले से ना पता क्या होता था, गोप्रो में चार्ज होता था बट है ना एसडी कार्ड फुल हो जाता था। अब भाई एसडी कार्ड में इतना सारा स्पेस है बट है ना गोप्रो में बैटरी ही नहीं होती भाई। एंड उस दिन मैं करोल बाग गया था ना यहाँ के लिए टैंक बैग भी देख के आया था, तो यहाँ पे भी टैंक बैग भी लगवा लेंगे इस बार करोल बाग जाके। मेरे को सैमी बॉय ने एक सामान और बोला तो उसके लिए ना वो सामान लेने भी जाना है। इस महीने के एंड तक जाएंगे क्योंकि उस टाइम पे हम लोग हल्द्वानी जाने का भी सोच रहे हैं, मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं है बट मैं सोच रहा हूँ कि हल्द्वानी जाऊँगा। तो फिलहाल अभी उसी टाइम पर अपन लोग है ना लेके आएंगे करोल बाग से सैम बॉय का सामान भी एंड इस पर टैंक बैग भी लगवा लेंगे। बट इस बार है ना अपन लोग हाइड्रा को नहीं लेके जाने वाले हल्द्वानी, भाई 5-6 दिन के लिए इसको है ना ले जाना और लाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी मैं देखूंगा क्या पता मेरे मूड की बात है, मेरा मूड करेगा तो मैं भाई चला के भी चले जाऊँगा, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। भाई मेरे ना जगह से आने का तभी मन नहीं करता भयंकर, यहाँ पे आते ही इतना गंदा ट्रैफिक लगा रहता है ना। अभी देखो यहाँ पे ना किसने उल्टी गाड़ी लगा दी होगी वहाँ पे एंड उसकी वजह से भाई ये ना भयंकर फंस गए यहाँ पे सारी गाड़ियाँ। एंड भाई यहाँ पे हाइड्रा की जो आवाज़ है ना जो रेव कर रही है ना भाई एक नंबर। ओ क्या बात है भाई, सुन रहे हो तुम लोग एक नंबर। आजकल मैं ना वहाँ की जगह यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से ना एक चीज़ सही रहती है, अगर मैं ना वहाँ से जाता हूँ तो यहाँ से कोई गाड़ी आ रही हो तो स्पीड में निकल जाती है पता नहीं लगता। बट यहाँ से जाओ ना तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है तो यहाँ से तो कोई गाड़ी आ ही नहीं सकती, डिवाइडर लगे हुए हैं तो मैं यहीं से जाता हूँ। इसीलिए कभी कभी है ना इसके एग्जॉस्ट में से बुलेट जैसी आवाज़ आने लग जाती है, मतलब बुलेट से तो थोड़ी डिफरेंट ही रहती है, बुलेट तो ना धुक 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 करके चलता है और ये तो भयंकर ऐसे करके चलती है देख रहे हो। एंड वो भाई का रिएक्शन देखा तुमने, वो है ना पीछे को देख रहा है जबकि मैं उसके बगल से निकल गया। अभी यार जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो कि बोरा फ्लाईओवर एंड उसके नीचे से अभी हम लोग है ना मस्त यहाँ पे आरपीएम लेने वाला है। अभी देखो तुम लोग इसके नीचे सबसे बड़ी आवाज़ आती है, मेरे को सबसे फेवरेट लगती है यहाँ की आवाज़। ये देख रहे हो क्या बात है, वो देखो है उसका रिएक्शन एक नंबर।
भाई पहले से ज्यादा रिएक्शन अभी आते हाइड्रा पे, पहले तो बहुत कम आते थे रिएक्शन, इतने ज्यादा नहीं आते लेकिन फिर भी बहुत आते थे, बट अब जो आते ना भाई एक नंबर, मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं ना, कंपैरिजन नहीं है कोई, मतलब ऐसे रिएक्शन आते हैं अब। अभी है ना तुमको है ना इसकी आवाज़ ना तसल्ली से सुनाऊंगा एरिया पे रोक के, बस थोड़ी सी है ना जगह मिल जाए कोई, क्योंकि सोसाइटी में तो मैं तुम्हें सुना नहीं सकता है, सोसाइटी के बाहर ना वहाँ पे है ना पुलिस वाले कभी कभी है ना नाका लगा के रहते हैं, तो अगर मैंने वहाँ पे RPM दिया ना तो है ना पीछे पड़ जाएंगे, तो इसलिए ना अभी तुम्हें ना एक जगह पे ना मस्त रोक के इसकी साउंड सुनाता हूँ। ओहो भाई 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 पानी 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 पानी, अगर हम इस पानी के ऊपर से गए ना भाई, ओहो फक 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 यार शिट, भाई जिस चीज़ का डर था मेरे को ना वही हुआ, सारा पानी उछल के मेरी पीछे टी शर्ट पे लग गया, एंड मेरी टी शर्ट ना वाइट कलर की है, तो हाइड्रा को ना वहाँ पे रोकते हैं, वहाँ पे तुम्हें इसकी साउंड भी सुना देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस हाइड्रा को रोक लेते हैं, एंड यहाँ पर देखते हैं भाई कितनी गंदी हुई है स्ट्रीट, तो यहाँ पर तो खैर ज़्यादा पानी उछला नहीं, मेरे पीछे भी नहीं गिरा होगा वैसे तो, पता नहीं बाकी देखना पड़ेगा भाई। अबे यार क्या बच्चों दिए भयंकर गाइस, इसके साउंड तुम्हें सुना देता हूँ तसल्ली से, तो अभी चेक करो बस, ये चेक करो गाइस, अब चेक करो, गाइस होप कि तुम्हें इसके बाद काफ़ी बढ़िया लगी होगी। अब इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर रेव कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से भी ना गाड़ियाँ जाती है पुलिस वालों की, तो रोक के भाई यहीं पे चलान काट देंगे मेरा, तो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पे पंचर हुआ था उस दिन, भाई साहब डरा दिया भयंकर बस वाले ने, इतनी जोर का हॉर्न मारा भयंकर, मुझे लगा मेरे पीछे आ गया, तो फिलहाल अभी चलते हैं, बाकी आवाज़ तुम्हें काफ़ी बढ़िया लगी होगी, और ये नंबर प्लेट देखो भाई कितनी गंदी हो चुकी है, बट चलो कोई बात नहीं, फ्लैशर्स को ऑफ कर देते भयंकर, मैं रोज़ भूल जाता हूँ दिन के टाइम पे फ्लैशर चल रहे होते हैं, तो अभी आवाज़ कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, अब तो तुम्हें भाई आवाज़ एक नंबर लगी होगी आई होप, तो अब भाई ज़्यादा रेव नहीं करेंगे, अब बस आराम से चलेंगे, क्योंकि ना ज़्यादा रेव करने से भी है ना इंजन पे इफेक्ट पड़ जाता है, इसीलिए ना ज़्यादा रेव नहीं करेंगे इसे।